भारत सरकार ने भी हाल ही में बच्चों के लिए नई पेंशन योजना वात्सल्य शुरू करने की घोषणा की है। ये योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस का ही एक रूप है, जिसका उद्देश्य कम उम्र से ही बच्चों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य योजना अनिवासी भारतीयों, जिन्हें कि एनआरआई कहते हैं, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के लिए भी उपलब्ध है। जब नाबालिग बच्चे की आयु 18 वर्ष हो जाती है तो एनपीएस वात्सल्य खाता एक नियमित एनपीएस खाते के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार एनपीएस वात्सल्य की शुरुआत भारत की युवा पीढ़ी के लिए अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र भविष्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तहत संचालित की जाएगी, जिसे खास तौर पर युवाओं के लिए तैयार किया गया है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भारत की वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में 2024-25 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस पेंशन योजना में माता पिता और अभिभावक योगदान करेंगे। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को एक सामान्य एनपीएस खाते के रूप में बदला जा सकता है। तो आइए आज हम इस योजना से जुड़ी हुई अहम बातों पर चर्चा करते हैं। हम देखें तो इस योजना के द्वारा बच्चों के पेंशन का इंतजाम किया गया है। एनपीएस वात्सल्य योजना को मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में बदलाव के तहत डिजाइन किया गया है। इसके तहत माता पिता अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए खाते खोल सकते हैं और उनके रिटायरमेंट सेविंग फंड में अपना योगदान कर सकते हैं। ये बचत खाते बच्चों के रिटायरमेंट के समय काम आएंगे और वहीं पर 18 साल की आयु के बाद बच्चा खुद इस खाते को संभाल सकता है। एनपीएस वात्सल्य माता पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के बचत करने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें दीर्घकालिक धन के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ मिलता है। ये लचीले योगदान और निवेश विकल्प को प्रदान करता है, जिससे माता पिता अपने बच्चों के नाम पर प्रतिवर्ष 1,000 रुपये से भी कम निवेश कर सकते हैं। हम देखें तो ये सभी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लिए सुलभ है। इस योजना को हम समझना चाहें तो हम इसे एक उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कि किसी एक शख्स ने अपने बेटे के जन्म के तुरंत बाद उसके नाम पर इस योजना में निवेश करना शुरू किया और उसने सालाना 10,000 रुपये अपने बच्चे के नाम पर निवेश किया। तो बच्चे के बालिग होने पर हम देखते हैं 18 साल में उस अभिभावक के द्वारा अपने बच्चे के खाते में 1,80,000 रुपये निवेश किया जाएगा और इस पर चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर अगर हम लगभग 10% मानते हैं तो ये 5,00,000 रुपये के आसपास बनते हैं। और 18 साल के बाद जब बच्चा बालिग हो जाएगा तो उसके केवाईसी के बाद अकाउंट होल्डर वो खुद बन जाएगा। इसके बाद ये स्कीम एनपीएस टीयर 1 में बदल जाएगा और इसके बाद उसमें आगे उसे पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो 60 साल बाद यही फंड जो 1,80,000 रुपये जमा किया गया है वो 10% ब्याज के साथ 2,75,00,000 में बदल जाएगा। और अगर इसी पर 11.59% ब्याज मिलता है तो ये 5,97,00,000 में बदलेगा। और इसी प्रकार यदि इस पर 12.8% ब्याज मिलता है तो ये 11,05,00,000 रुपये में बदल जाएगा। चूंकि हमने उदाहरण में आपको 3 तरह के ब्याज बताए हैं तो अब सवाल ये उठता है कि 3 अलग अलग ब्याज दर पर इसे क्यों कैलकुलेट किया जाएगा। दरअसल इस योजना में निवेश के समय ब्याज दर की 3 च्वाइस आपको दी जाएगी। पहली च्वाइस स्थिर रिटर्न होगी, जिसमें कि हमें कम ब्याज दर मिलेगा। दूसरी च्वाइस बड़ा जोखिम और बड़ा रिटर्न का होगा और तीसरा बैलेंस
रिटर्न का होगा। भारत के वित्त मंत्री का कहना है कि बच्चों के मैच्योर होने पर प्लान को बिना किसी बाधा के नॉन एनपीएस प्लान में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर इस योजना को हम देखें तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि प्री मैच्योर विड्रॉल का क्या ऑप्शन है। अगर इस पर हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि इस योजना में निवेशक के पास समय से पहले निकासी का ऑप्शन होता है, जिसका मतलब है कि योजना के मैच्योरिटी से पहले अमाउंट निकाला जा सकता है। इस योजना में 3 साल का लॉक इन पीरियड है, यानी निवेशक इन्वेस्ट की डेट से 3 साल के बाद तक कोई विड्रॉल नहीं कर सकता है। इसके बाद बीमारी या शिक्षा के लिए फंड का 25% हिस्सा निकाला जा सकता है। विकलांगता की स्थिति में निवेशक 75% से अधिक धन निकाल सकता है और बच्चे के 18 साल होने तक सिर्फ 3 बार आंशिक निकासी की अनुमति दी गई है। दूसरा सवाल आता है कि अगर इस योजना में हम प्रतिभाग करते हैं तो ये कब मैच्योर होगा। हम अगर देखें तो बच्चे के 18 साल होने पर ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी। अगर फंड में रकम 25 लाख रुपए से कम है तो उस समय 18 साल की उम्र होने पर इसे एक मुश्त निकाला जा सकता है। अगर यही रकम 25 लाख रुपए से ज्यादा है तो सिर्फ 20% रकम निकाली जा सकती है और बची हुई रकम से एनिटी खरीदी जा सकती है, जिससे बच्चे को हर महीने एक तय रकम यानी पेंशन का लाभ मिलेगा। अब हम अगर ये देखें कि 18 साल होने पर जब मैच्योर हो जाएगा तो हमें क्या करना है। अगर हम इसको ध्यान में रखते हैं तो हम पाते हैं कि बच्चा 18 साल की आयु पूरा होने के बाद इस स्कीम को जारी रख सकता है। लेकिन अगर आप बच्चे के 18 साल होने के बाद भी इस स्कीम को जारी रखना चाहते हैं तो आपको इसकी जानकारी पहले देनी पड़ेगी। इसके बाद एनपीएस वात्सल खाता एनपीएस टीयर 1 में बदल जाएगा और बच्चे के 18 साल का होने के बाद 3 महीने के भीतर उसे इसे दोबारा केवाईसी करानी होगी। इसी तरह से एक सवाल और आता है कि बच्चे के 18 वर्ष के होने के बाद नॉन एनपीएस प्लान चुनने का क्या ऑप्शन है। अगर हम देखें तो इस योजना की खास बात यह है कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर नाबालिग बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो उसे गैर एनपीएस योजना में बदल सकता है। माता पिता के पास खाते को नियमित एनपीएस खाते में बदलने का विकल्प है, जो कि लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग कहलाता है। ये योजना उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। हम देखें तो इस योजना से भारतीय परिवारों में बचत और निवेश की आदतों को बढ़ावा मिलेगा और विशेषज्ञों का भी ये कहना है कि एनपीएस वात्सल की शुरुआत भारतीय परिवारों के बीच बचत और निवेश की आदतों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना माता पिता को कम उम्र में अपने बच्चों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करने की अनुमति देता है। इस योजना का लक्ष्य युवा पीढ़ी के लिए अधिक वित्तीय रूप से सुरक्षित भविष्य बनाना है। इसलिए एनपीएस वात्सल योजना के जरिए माता पिता अपने बच्चों के लिए बचत कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जैसे कि मौजूदा एनपीएस, जहां नियमित जमा पूरे करियर के दौरान रिटायरमेंट के लिए फंड तैयार किया जाता है। हम देखें तो इसमें जमा किया हुआ पैसा शेयर और बांड जैसे बाजार से जुड़े साधनों में लगाया जाता है, जिससे ज्यादा मुनाफा मिलने की संभावना रहती है। हमारे दिमाग में ये बात आती है कि एनपीएस वात्सल खाता कैसे खोला जाए, तो हम अगर देखें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईएनपीएस एनपीएस वात्सल खाता खोलने का सबसे सटीक तरीका है, जो आपको खाता खोलने और अतिरिक्त योगदान आसानी से करने की अनुमति देता है। इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया काफी सरल है। आधार और डिजी लॉकर आदि सहित कई तरीके इसमें उपलब्ध हैं। एनपीएस वात्सल खाता खोलने के लिए
तीन वेबसाइट की मदद ली जा सकती है, जिसे कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में हमें बच्चों के भविष्य के लिए NPS वासल खाता खोलना चाहिए।